एक्सपल्स के 500 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आज भी मुझे हुआ है धक्का, यानी कितने धक्के खाने पड़ेंगे गाड़ी को ठीक करवाने के लिए। ये मैग्नेटिक व्हील है और जो जाते हम लोग टेस्ट राइड लेने के लिए। इसमें ऑयल जो था 1190 का मुझे पड़ा, 500 किलोमीटर उसको चला के। अपने बाजू में खड़ी हुई है मस्टैंग जीटी, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, केम छो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलियन माइल्स व्लॉग। एक बार फिर सब सुबह स्वागत है एक और नए व्लॉग में। गाइस टाइम हो चुका है दोपहर के एक और मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है। कल शाम को सर्विस सेंटर से कॉल आया था कि भाई एक्सपल्स के पार्ट आ चुके हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर पे अपनी एक्सपल्स के अंदर पार्ट डलवाने के लिए। उन्होंने तो बोला था सुबह 8 बजे, पर सुबह 8 बजे तो पॉसिबल नहीं हो पाया, मैं उठ ही नहीं सका, खाना नहीं खाया मैंने। हो सकता है गाड़ी मुझे रखनी पड़ेगी क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ, पर अभी देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे। आज सुहाना मौसम है और अपने साथ अपनी एक्सपल्स है, तो बहुत ही मजा आती है ऐसे मौसम में गाड़ी चलाने की। गाड़ी अपनी हो जाए कंप्लीट, उसके बाद इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलेंगे जल्द से जल्द। भाई वेट नहीं कर सकता, अभी थ्रॉटल बॉडी और फ्यूल इंजेक्टर डालने के बाद थोड़ा तो फर्क आया है गाड़ी के अंदर, तो बस जल्दी से हो जाए ये अपनी गाड़ी तैयार, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, और क्या ही चाहिए। वाह वाह वाह, आज मैंने फुल स्लीव का टी शर्ट पहना है, मुझे लगा धूप निकलेगा, पर अच्छी बात है धूप नहीं निकली है। और ये देखिए अपनी नैनो पीली वाली। और यहाँ भी मैं गाइस विजिट करूँगा सेंट्रो मॉल में, पहले रेड कलर का सेंट्रल मॉल था, पूरा अभी चेंज कर दिया। देखिए एक्सपल्स चलाने का मज़ा अलग ही है। एक्सपल्स के 500 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे सिंबल बता रहा है सर्विस का, पहले ये हो जाए उसके बाद अपने सर्विस करवाते हैं। अरे भाई ये क्या है, कुछ प्रोग्राम चल रहा है शायद। रोड यहाँ पे आ चुका हूँ सर्विस सेंटर पे, और इनका लंच ब्रेक है, खाने के लिए गए हुए हैं। सब बोल रहे हैं कि शायद आज शाम को हो जाएगी, नहीं तो फिर 2 दिन बाद रखनी पड़ेगी क्योंकि कल है रक्षाबंधन, तो इनकी छुट्टी है। आज भी मुझे हुआ है धक्का और अभी इन्होंने इसको रीसेट कर दिए, तो 3 पार्ट्स इसके अंदर डालने हैं। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं अगर गाड़ी आप रख के जाते हो तो कन्फर्म नहीं है शाम को हो पाएगी या नहीं, हो जाती है तो कॉल करेंगे, अगर नहीं हो जाती है तो भी कॉल करेंगे, अगर नहीं होती है तो यार फालतू में गाड़ी पड़ी रहेगी क्योंकि कल इनकी है छुट्टी, कल है रक्षाबंधन, तो उन्होंने बोला है कि आप गाड़ी लेके जाइए। रखने को तो मैं रख देता हूँ, कोई मतलब नहीं, इनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि शाम तक हो पाएगी या नहीं, इससे अच्छा तो मैं गाड़ी लेके ही चला जाता हूँ घर पे। अब परसों वापस से आना पड़ेगा मुझे। अभी जोरों की लगी है भूख, टाइम हो चुका है 2:30, घर जाके खाना खाऊंगा। तो भाई अपने बाजू में खड़ी हुई है मस्टैंग जीटी, क्या बात है। वाह वाह वाह, तो देखिए गाइस ये है मस्टैंग जीटी, क्या जबरदस्त लग रही है गाड़ी, तो इसका फायरिंग भी एक नंबर है। हाँ आजकल अहमदाबाद में इतनी इम्पोर्टेड कार्स देखने को मिलती है। आज है day 2, अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 2:10, आज भी मैं नहीं पहुंच पाया सुबह के 8 बजे। सर्विस सेंटर पे चल के अगर हो जाता है तो लेके चलेंगे बाइक अपनी, ऑन द स्पॉट नहीं हो पाएगा तो फिर अपने बाइक रखनी पड़ेगी शायद। अहमदाबाद में 3-4 दिन से बहुत ही खतरनाक गर्मी पड़ रही है, अब बारिश का सीजन है, गर्मी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज भी देखिए बहुत ही जबरदस्त धूप है बाहर, पता नहीं कितने धक्के खाने पड़ेंगे ये गाड़ी को ठीक करवाने के लिए। ये कुछ इस तरह की कंडीशन है, बहुत ही ख़राब हो चुकी है गाड़ी, उसको वॉश भी करानी पड़ेगी, और इसका सर्विस का भी टाइम आ चुका है। आपको यहाँ पे पाना दिख रहा होगा, पाना यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। 627 किलोमीटर हो चुकी है। गाइस अभी अपनी गाड़ी यहाँ पे रख दी है और इसको मैं लेके चलूँगा नेक्स्ट डे में, सर्विस भी हो जाएगी। अभी अपनों ने गाड़ी यहाँ पे रख दी है और अभी मैं निकल रहा हूँ घर पे, मैंने अभी बाइक बुक किया हुआ है तो उसके साथ साथ सर्विस भी मैंने करवाई ली है, लगे हाथ सर्विस भी हो जाएगी अपनी, फ़र्स्ट सर्विस जो होती है वो करानी बहुत ही मैंडेटरी हो जाती है,
तो इसके अंदर मैंने ऑयल भी चेंज करवाया है। ऑयल मैंने डाला है सिंथेटिक ऑयल जो कि आया है कुछ 1100 रुपये का मुझे पड़ा है और 8000 किलोमीटर चलने वाला है। तो वैसे सस्ता वाला ऑयल भी था पर मैंने चूज़ किया सिंथेटिक ऑयल। एक्सपल्स गाड़ी है, प्रीमियम बाइक है, क्योंकि ज़्यादा किलोमीटर चल रहा है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। बार बार चेंज कराना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है यहाँ पे आना, इसलिए मैंने सिंथेटिक ऑयल इसमें डाल दिया। आज तो पूरा दिन मुझे रखना पड़ेगा, फिर कॉल आएगा, जैसे ही कॉल आएगा गाड़ी में लेके आ जाऊँगा और 3 पार्ट डालने वाले हैं। डाल दिया OTP आपने, हो गया। और मैं आ चुका हूँ अपने एक्सपर्ट सर्विस सेंटर पे, तो यहाँ पे गाड़ी अपनी रेडी हो चुकी है। अपनी एक्सपर्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है और जो पार्ट उन्होंने चेंज किए इसके अंदर 3 पार्ट डालने के थे, तो वो पार्ट कौन कौन से है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये है मैग्नेटिक व्हील है और दूसरा CU है और इसके अलावा जो ये कॉइल थी, ये पूरा पार्ट अपना पूरा चेंज किया है। इसकी वजह से गाइस इसमें थोड़ा इशू था, तो इसकी वजह से अपना जर्किंग का इशू आ रहा था। अभी गाड़ी अपनी रेडी हो चुकी है, अभी जाते हैं हम लोग टेस्ट राइड लेने के लिए और चेक करते हैं कि इसका इशू रिजोल्व हुआ या नहीं। तो ये रही गाइस अपनी गाड़ी कम्प्लीट हो चुकी है, ट्रायल लेंगे, ट्रायल लेके ही पता चलेगा। वैसे जो पार्ट डालने थे वो डल गए, आप लोगों को मैंने दिखा दिया कौन सा पार्ट हमने इसमें इंस्टॉल किया है। इस गए हुए एक और टेस्ट लेने के लिए, वैसे मैंने और भाई ने तो गाड़ी चलाया, जर्क इशू अभी भी आ रहा है, सेकंड और थर्ड गियर पे ही जर्क मारती है, जिसकी कांस्टेंट गाड़ी चलनी चाहिए। वैसे सारे पार्ट तो इन्होंने चेंज कर दिए, पता नहीं अब क्या इशू आ रहा है। अभी देखते हैं, अगर और भी कोई पार्ट चेंज करना पड़ा तो मैं फिर से गाड़ी रख लूँगा, वो गाड़ी कम्प्लीट ही चाहिए, उसके बाद ही मज़ा आएगा गाड़ी चलाने का। तो भाई जब भी अपने गाड़ी लेके जा रहे हैं, हम लोग दो गाड़ी लेके आ रहे हैं, स्प्लेंडर लेके और अभी लेके जा रहे हैं एक्सपल्स। में ऑयल जो था 1190 का मुझे पड़ा, इसमें उन्होंने डाला है सिंथेटिक ऑयल जो कि सिल्वर और थोड़ा येलोइश कलर का आता है। इसके ऊपर डाल जाते पुराना मॉडल है। तो अभी तरंग भाई का कहना ऐसा है कि गाड़ी जो उनकी साइड से तो कंप्लीट हो चुकी है, पर उन्होंने बोला कि 500 किलोमीटर आप चलाओ ये सारे इशू जो है रिजोल्व हो जाएगा। अपने लेके चल रहे हैं अपनी एक्सपर्स और अभी शायद इसको 500 किलोमीटर चलानी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसको चलानी पड़ेगी, जब से गाड़ी ली है तब से सर्विस सेंटर के धक्के खाने में और पूरा यहाँ से वहाँ करने में ही 600 किलोमीटर हो चुका है। तो अभी इसको एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलेंगे। अभी ऑयल भी अपना कंप्लीट हो चुका है, ऑयल डाल लिया, पूरी सर्विस हो चुकी है, पार्ट्स वगैरह जो भी चेंज होने थे सारे चेंज हो चुके हैं। अभी इसको हम चला के इसका जो है ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि 90% इशू जो है रिजोल्व हो चुका है, पर 10% कहीं ना कहीं मैं अभी बाकी रखूँगा, क्योंकि इसको लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाके उसके बाद ही मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँगा कि गाड़ी जो है अपनी कम्प्लीट हुई या नहीं। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक खुदा हाफिज़। और मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी मज़ेदार और शानदार व्लॉग में गाइस। I got the juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow, I'm getting cash overseas by the boatload, you wanna ride my wave, that's a no-go, senoritas going loco, make it bounce like a pogo, all my haters see rojo, they big mad cause they coming up short like Frodo, activate the beast mode, I keep it hot, give your brain a heat stroke.